नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सपने में सांप का काटना कैसा होता है। दोस्तों जब हम खुद को सांप के द्वारा काटते हुए देखते हैं तो देखते ही हमारी आंखों में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है और हमारी आंखों से नींद गायब हो जाती है और हम एक गहरी चिंता में चले जाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रकार के सपने से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपना हमारे लिए एक चेतावनी का काम करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सपने में सांप का डसना या सपने में सांप का काटना कैसा होता है। सपने में सांप का काटना शुभ होता है या अशुभ होता है। दोस्तों सांप के काटने पर इंसान की मौत हो जाती है, तो लोग इस सपने को मौत से जोड़कर देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों जरूरी नहीं कि सांप का काटना अशुभ ही हो, ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शुभ और अशुभ सांप के काटने की स्थिति पर निर्भर करता है कि सांप आपको कौन सी स्थिति में काट रहा है और सपने में सांप की स्थिति क्या है और सपने में आपकी स्थिति क्या है। सपने में सांप के काटने से संबंधित दो प्रकार की व्याख्या प्रचलित है। पहली व्याख्या है मनोवैज्ञानिक और दूसरी व्याख्या है सौपन विज्ञान व्याख्या। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने में सांप का काटना काम, वासना, प्रेम, अंतर्ज्ञान, धोखा इत्यादि को प्रकट करता है। अगर आप एक महिला हैं तो ये सपना प्यार, डर, आलिंगन, गर्भ आदि को इंगित करता है। सपने में एक सांप आपके शरीर के चारों तरफ लिपटा हुआ है तो ये सपना स्त्री और पुरुष के बीच संबंधों के बारे में बताता है। यदि एक सांप किसी महिला को काट लेता है तो ये सपना यौन उत्पीड़न को दर्शाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सौपन विज्ञान के अनुसार या फिर ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सपने में सांप का काटना कैसा होता है। सौपन विज्ञान के अनुसार सपने में सांप के काटने के अर्थ प्रतीकात्मक होते हैं। अगर सपने में आपको सांप काटता हुआ दिखाई देता है तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में आपको गंभीर बीमारी होने वाली है। लेकिन अगर सांप काटने में असफल रहे तो ये सपना शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको जीत हासिल होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सपने में सांप के बच्चे का काटना। दोस्तों सपने में आप किसी छोटे से सांप के बच्चे हैं और ये छोटा सा सांप का बच्चा आपको बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे ही आप सांप के बच्चे के पास जाने की कोशिश करते हैं तो ये सांप का बच्चा आपको काट लेता है। तो दोस्तों सपने में सांप के बच्चे का काटना अशुभ माना जाता है। ये सपना आपके लिए अशुभ संकेत देता है। अगर आप इस प्रकार का सपना देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपका प्यारा दोस्त या आपका प्यारा साथी आपके साथ चीटिंग करने वाला है या आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के सपने आने पर आपको अपने सबसे प्यारे दोस्त और परिवारजनों से संभल कर रहना होगा, नहीं तो आपको धोखे और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सपने में सांप को किसी और को काटते हुए देखना। यदि सपने में किसी सांप को किसी अनजान व्यक्ति को काटते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए अशुभ संकेत माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके माता पिता की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये सपना आपके परिजन के स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है। तो दोस्तों सपने में सांप के काटने से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।